हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा, हर रोज की तरह हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक इंसान अपने संगठन के कार्यों में हमेशा सक्रिय रहता था, उसे सब जानते थे, उसका बड़ा मान सम्मान भी करते थे। वो अपने काम बहुत दिल से करता था, दिन रात मेहनत में लगा रहता था, सबका प्रिय था। मगर एक दिन अचानक ऐसा भी आया, वो किसी कारण से अपने काम से दूर रहने लगा। अब क्या था, वो उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, संगठन के कार्यों से बिल्कुल ही दूर हो गया था। ऐसे में कुछ सप्ताह बीत गए, तब एक ठंड की रात उस संगठन के प्रमुख ने उस व्यक्ति से मुलाकात करने की सोची। उनको भी लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, जो हमेशा दिल से काम करता था, साथ रहता था, अचानक से अलग क्यों हो गया। तो संगठन के प्रमुख उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर पर वो अकेला ही था, एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। जब उसने अपने संगठन प्रमुख को देखा तो उस इंसान ने प्रमुख की बड़ी खामोशी से स्वागत की। दोनों चुपचाप बैठे रहे, काफी देर तक आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए देखते रहे। कुछ देर के बाद संगठन प्रमुख ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी को, जिसमें लौ जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर शांत से बैठ गए। उनकी ये हरकत वो इंसान ध्यान से देख रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन खुश भी हो रहा था कि वो आज अपने संगठन के प्रमुख के साथ बैठा है। अब उसने देखा कि अलग हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है और कुछ देर बाद आग बिल्कुल ही बुझ गई, मतलब वो लकड़ी जो थी जिसमें आग जल रही थी वो बुझ चुकी थी, उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी के आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पहले जो उस लकड़ी में प्रकाश था और आग की तपन थी, वो अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले, यानी कि संगठन के प्रमुख और जो व्यक्ति था, दोनों के बीच में बहुत कम बातें हुई। और संगठन के प्रमुख जो थे अब वो जाने लगे। जाने से पहले प्रमुख ने अलग हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। तब देखा कि वो लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी। वो जब अपने संगठन के प्रमुख को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आपने मुझे बिना कुछ बात किए एक सुंदर सा पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, संगठन का साथ मिलने पर ही वो चमकता है और रोशनी बिखेरता है, संगठन से अलग होते ही वो लकड़ी की भांति बुझ जाता है। तो संगठन के प्रमुख उसके घर पहुंचकर ये सब कुछ करके ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब तक वो लकड़ियां साथ में थी, इकट्ठे थी और जल रही थी, तब तक उस लकड़ियों के अंदर ताप था, चारों तरफ रोशनी थी, लेकिन जैसे ही उस लकड़ी में से एक लकड़ी उठाकर किनारे रख दिया गया तो वो लकड़ी बुझ गई, और वापस जब उस लकड़ी को उन अलग लकड़ियों के साथ डाल दिया गया तो फिर से जल उठी। कहने का मतलब ये है कि संगठन से, यूनिटी से, एकता से अगर आप अलग हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी बचपन में हमने भी सुना है, एकता में ताकत होती है, जब साथ में मिलकर हम कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम आसानी से हो जाते हैं। इसलिए आसपास के लोगों के साथ या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या जो आपको पसंद करते हैं या जिसे आप पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ रहिए। कोई भी काम कीजिए तो उन लोगों की मदद लीजिए, क्योंकि वो सभी लोग एकजुट होकर आपकी मदद करेंगे तो आप जरूर ही सफल होंगे। कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और गुड नाइट विद शिप्रा की और भी कहानियां सुनने के लिए आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहां गुड नाइट विद शिप्रा सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको ढेर सारी कहानी जो पहले के वीडियोस हैं वो आपको वहां पर मिल जाएगी और आप उसे सुन सकते हैं।